जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक सूखी तुलसा जी की कास्ट का क्या करना चाहिए और जो पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं तुलसा जी की, उसका क्या कर सकते हैं, उसे प्रवाहित क्यों नहीं करें, उसे हम ऐसे क्या उपयोग में लें जो हमारा आगे का जन्म सार्थक सिद्ध हो सके, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, साथ ही जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो सके। आपने अवश्य उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा तो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी जानकारियां दी गई हैं और जो जिन लोगों ने वह वीडियो देखा उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं खुद भी इस बात को समझती हूँ कि आप इस प्रकार के धार्मिक वीडियो देखते हैं, यदि उसको मैं आपको कुछ पॉजिटिव मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मैं कोशिश यही करती हूँ, प्रयत्न यही करती हूँ कि जो भी आपके लिए उपाय बताऊँ, जो भी आपके लिए करने वाले कार्य बताऊँ, आपके लिए बहुत ही फलदायक हों, अच्छे हों। साथ ही किसी ने कमेंट्स किया था कि मंजरी का क्या किया जाए, आज मैं उसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। साथ ही यदि आपने नहीं देखा है सूखी तुलसा जी का क्या करना चाहिए, जब घर में तुलसा जी सूख जाए तो क्या करना चाहिए, और जो पत्ते झड़ते हैं अपने आप उनका क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जरूर डाल दूंगी, आप अवश्य देखें। आप स्वयं सोचेंगे कि ये जानकारी हमें क्यों नहीं अभी तक प्राप्त थी, उस जानकारी को आप पूरा पूरा अपने उपयोग में लेना चाहेंगे। यदि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, यदि यूं ही नज़र पड़ने पर आपने मेरा चैनल देख लिया है, मेरा वीडियो देख लिया है, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वह चैनल है जिस पर आपको सारी जानकारियां सच और सच्चाई से भरी हुई, सारे उपाय, अधिकांश आजमाए हुए उपाय बताए जाते हैं जो आपके लिए फलदायक हो, जिससे आपकी जिंदगी, आपका जीवन सरल और सुगम बने, जो आपको ईश्वर के एक कदम और आगे अपने पास ले जाए। यदि आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड परेशानी में है, तो मैं हमेशा कहा करती हूँ अपने वीडियो में कि आपको उसे अवश्य लिंक सेंड करना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप बताएं कि आप ये उपाय करते हैं तो आपको ये फायदा होगा। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय लेते ना लेते हुए वीडियो में अपना उपाय बताने जा रही हूँ। मंजरी, जो तुलसा जी के ऊपर बीज आते हैं, तुलसा जी के वृक्ष पौधे पर जो बीज आते हैं उसे मंजरी कहा जाता है। यदि तुलसा जी के पौधे पर मंजरी है तो उसे उतारें या ना उतारें, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इस बारे में। कोई कहता है उतार देना चाहिए, कोई कहता है अपने आप टूट कर गिरने देना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ तक कि पूरे शास्त्रों में, पूरे पुराणों में पढ़ी हुई हूँ कि जो तुलसा जी के ऊपर जो मंजरियाँ होती हैं वह कष्ट देती हैं तुलसा जी को। जब वह पूरी तरह से पक जाए आपको उसे अवश्य उतार देना चाहिए। आप यह पुण्य का काम करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो मंजरी होती है उसे तुलसा जी का कर्ज माना जाता है। जब आप उन्हें उतारते हैं तो तुलसा जी को बहुत ही सुख महसूस होता है। आप एक अच्छा कार्य करते हैं। आप कौन से दिन उतारें? आपको रविवार, एकादशी और साथ ही पूर्णिमा, अमावस्या को नहीं उतारना चाहिए, बुधवार को भी नहीं उतारना चाहिए। आप इसके अलावा कोई भी दिन आप देख लें, जहाँ तक कोशिश करें आप गुरुवार के दिन मंजरी उतारें, बहुत ही अच्छा होता है। गुरुवार के दिन तुलसा जी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। एक और बात मैंने सुन के रखी है कि कई लोग कहते हैं कि तुलसा जी कहते क्या, करते भी हैं ऐसा, तुलसा जी पे से मंजरी उतारी और गमलों में ही डाल दी, उसी गमले में डाल दी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करें आप, ये दोष है। यदि आप ऐसा करते हैं, दोष का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको दोष लगेगा, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं उस मंजरी से जो पौधे आते हैं तुलसा जी के, जो रोपे आते हैं, उनको आपको उनका विवाह करना होता है, तुलसा विवाह करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है,
ऐसा पुराणों में उल्लेखित है, क्योंकि कहा जाता है वो आपने बीज से उसे रोपित किया है, तो वह आपको उनका जब तक आप दान नहीं कर देंगे, तुलसा विवाह नहीं कर देंगे, तो आप पर उसका कर्ज चढ़ा रहेगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करें। तुलसा जी की मंजरी उतार कर आप अपने पास एक डिब्बे में एकत्रित कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, जिसके यहाँ तुलसा जी का पौधा नहीं है आप उसे दे सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें आप यह मंजरी उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु जी या श्रीहरि जब तक भोग ग्रहण नहीं करते, जब तक तुलसी दल नहीं डाला जाए भोग में। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। जो पौधा, जिस पौधे की आप पूजन कर रहे हैं, जो पौधे को आप जल चढ़ा रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं शाम के समय, उस पौधे में से कभी भी विष्णु जी के भोग के लिए तुलसा दल नहीं तोड़ना चाहिए। आपको हमेशा अपने घर में 2-3 पौधे लगाकर रखना चाहिए तुलसी जी के, और आप एक ही की पूजन कर पाते हैं। ये सभी के लिए संभव नहीं होता कि जितने पौधे घर में आपने लगा के रखे हैं सभी का पूजन करें। जो खास तौर पर, विशेष तौर पर आप जिसके नीचे दीपक लगाते हैं या जिसका पूजन करते हैं, उसमें से तुलसा दल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और 11 बुधवार, रविवार, ये अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथियां ऐसी होती है कि इसमें तुलसा जी को आप शाम के समय दीपक लगा सकते हैं, लेकिन 11 के दिन तो जल भी नहीं समर्पित करना चाहिए आपको। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम लगा तो लेते हैं, लेकिन कोशिश भी यही करते हैं कि हम पूरे ऐसे कार्य करें जिससे हमसे भगवान रुष्ट ना हो, श्रीहरि रुष्ट ना हो, माँ लक्ष्मी रुष्ट ना हो, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे लिए अनिष्टकारक हो सकती है। आप कभी भी एकादशी के दिन ना तुलसा जी में जल समर्पित करें और ना ही तुलसा दल डोड़ें। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि यदि हम एकादशी, रविवार, बुधवार या अमावस्या, पूर्णिमा तिथि को यदि हम तुलसा जी नहीं तोड़ें, तो हम भोग के लिए तुलसा जी कैसे लाएं? तुलसा जी, जो तुलसी दल होता है, वह बासा नहीं होता। आप उसे पहले दिन तोड़कर रख सकते हैं और 3-4 दिनों के लिए लगातार के लिए भी तोड़कर रख सकते हैं आप, आराम से, कोई परेशानी नहीं है। आप उसे तोड़कर स्वच्छ कर और आप फ्रिज में रख दें, नहीं भी हो तो बाहर भी रख सकते हैं। सूखी हुई तुलसी दल भी आप यदि भोग में डालते हैं तो श्री हरि को समर्पित होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका कि हम सूखी हुई मंजरियां जो हमने तोड़ के रखी हैं, हम उसका क्या करें? हमने डिब्बे में रख ली हैं, अब उसका क्या करें? वो तो जमा होती जाएंगी। उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। वैसे तुलसी की मंजरी से आज मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ, आपके यहाँ कोई तनाव है, कलह है, कष्ट है, बीमारी है, या कोई कर्ज संबंधी समस्या है, धन संबंधी, लक्ष्मी संबंधी समस्या है, आपकी सभी समस्याओं का उपाय इस मंजरी में छुपा हुआ है। आज मैं इन्हीं से संबंधित उपाय बताऊंगी। आपने जो तुलसी की मंजरियां तोड़ कर रख ली, तुलसी की मंजरी एक बीज नहीं होता, जो लंबी डंडी में पूरे जो बीज लगे होते हैं वो एक गिनी जाती है। आप किसी भी दिन, महीने के किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल चल रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत उदासीन, आपका बच्चा कोई बहुत ही उदासीन रहने लग गया है, परिवार का कोई माहौल खराब चल रहा है, किसी भी तरह की समस्या, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या ऐसी और भी समस्याएं, जो भी समस्या है आपकी, आप इसके लिए एक सफ़ेद रुमाल, वाइट कपड़ा, रुमाल आवश्यक जरूरी नहीं है कि रुमाल ही होना चाहिए, एक सफ़ेद कपड़ा, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कोरा होना चाहिए, बिना धुला, नया कपड़ा, छोटा सा ले सकते हैं। 5 मंजरी, मंजरी मैंने आपको समझाया कि जो पूरी एक डंडी में लगी हुई होती है उसे एक मंजरी काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने उस डंडी में से एक बीज तोड़ लिया उसको एक मंजरी कहेंगे, वह पूरी की पूरी एक कहलाती है। आप उस प्रकार 5 डंडियां ले लें, जो तुलसा जी में से मंजरी के लिए आपने 5 डंडियां ले लें। आप किसी भी दिन, सप्ताह के किसी भी बार को ये कार्य कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद तुलसा जी के समक्ष जाएं और उनसे विनती करें, जो भी आपको कार्य के लिए आपने लेना है, कि ये मैं तुलसा जी की मंजरी आपके इस कार्य के लिए ले रही हूँ, या आपके पास पहले से डिब्बे में रखी है तो भी आप इस कार्य के लिए उसमें से भी आप विनती करके लें।
और मैं इस कार्य के लिए ये कार्य ले रही हूँ मंजरी, और मेरा ये कार्य आप पूरा करना। हे माँ, हे श्री हरि प्रिया, आप मेरा ये कार्य करना। इस प्रकार आप विनती करें। उसे कपड़े में, सफेद कपड़े में 5 मंजरियाँ जो पूरे लंबी लकड़ी के समान होती है, वैसे आप पूरी 5ों रख लें। उसे बांध लें, धीरे से बांध लें, टूटे ना। टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि टूटे ना। और उसे आप घर के ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नहीं जाता हो, या जाए भी तो आप ऐसी थोड़ी सी ऊंचाई पर उसे बांध दें। यदि बांधने की जगह नहीं है तो आप ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ किसी की, बाहर वाले व्यक्ति की खास तौर पर नजर ना पड़े। और आप देखना, आपके घर का कायाकल्प हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, कलह, लड़ाई, झगड़े, ये सब तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इतनी शक्ति होती है तुलसी माँ में, इतनी शक्ति होती है इनके बीजों में कि सारी आपकी कलह समेटकर बाहर फेंक देती है। और यदि कर्ज संबंधी समस्या है, उसमें भी आपको बहुत फायदा होता है। आपके कमाई के स्रोत बढ़ जाते हैं, सबसे बड़ी बात। यदि आपके कमाई के स्रोत बढ़ेंगे, अपने आप ही आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज दूर होने लगेगा। दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह उठें, स्नान करें, और यदि आपने पहले से निकाल के रखे हैं मंजरी के दाने, तो आप बुधवार नहीं निकालेंगे। यदि गुरुवार को ही आपके तुलसा जी में बहुत सारे मंजरी लगी हुई है, तो फिर आपको बता दूं कि आपको पूरी डंडी यहाँ से लेना है। आप गुरुवार के दिन एक पूरी जो डंडी होती है मंजरी की, वह ले लें, उसको नियम में बना लें, हर गुरुवार ये कार्य करें। आप यदि आपके घर में श्री हरि विष्णु जी की जो प्रतिमा है, फोटो है, या आपके आसपास कोई अच्छा सा मंदिर है, तो आप श्री हरि को एक पूरा मंजरी का वो चढ़ाएं और विनती करें। आप देखना, सिर्फ इतना करने से आपकी धन संबंधी, लक्ष्मी संबंधी समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। यदि आप पर बहुत ज्यादा कर्ज भी चढ़ा हुआ है, तो आपको रास्ते मिलने लगेंगे, कमाई के स्रोत आपके सामने आने लगेंगे। लेकिन आपको यह कामना, यदि आप कर रहे हैं कि मैं कर्ज चुकाने के लिए आपसे विनती कर रहा हूं, तो आपको ये कार्य अवश्य करना होगा कि आप नियत साफ रखें, आप कर्ज चुकाना चाहें। जब भी आपके यहाँ लक्ष्मी की आमदनी बढ़ती है, आप सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा अपने कर्ज चुकाने के लिए रखें। आप यदि मन साफ करके ये कार्य करते हैं और पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से कार्य करते हैं आपके कार्य में, क्योंकि सीधे हम विष्णु जी से मिल रहे हैं, सीधे हम श्री लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं। तुलसा जी लक्ष्मी जी का ही एक रूप होता है। जो मंजरियाँ यदि आप अपने हाथ से गमले में डाल देते हैं, उनका विवाह करना आवश्यक होता है, लेकिन जो स्वतः ही यदि गमले में अपने आप गिर के उगी आती हैं, रोपे आ जाते हैं, उसका ऐसा कोई नियम नहीं होता। इसलिए जो गिर गई हैं, उसके लिए कोई हमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने हाथ से कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि गमले में बिखरा दें। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रही हूँ, महा उपाय, तुलसी जी की मंजरी का जो एक महा उपाय, जिसे सुनकर और जिसे कर आपका जीवन बिल्कुल बदल जाने वाला है। यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य बच्चा है, संबंध नहीं जम पा रहा, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयत्न कर लिया, साथ ही कलह संबंधी जो भी आपकी मनोकामना है, लेकिन विवाह के लिए और कर्ज के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत सरल, बहुत ही छोटा सा, लेकिन यदि आप कर लेते हैं, आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। आप गुरुवार के दिन, जो विष्णु जी को ही समर्पित होता है, आप 108 मंजरी, जो फिर मैं आपको बता दूं कि पूरी स्टिक को भी एक मंजरी कहा जाता है, आप उसमें से एक बीज को एक मंजरी नहीं कहेंगे। आप पहले से ही 108 मंजरियां, खूब सारी मंजरियां आती ही हैं। अभी तक ये लोग परेशान थे कि हम क्या करें मंजरी का, कैसे क्या इसका क्या किया जा सकता है। अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप पूरे डिब्बे में भर के रख लीजिए, और जिस दिन ये उपाय करना है, आप पहले से भी गिन के, पहले दिन ही गिन के रख सकते हैं, 108 जरूरी है। आप 108 मंजरी पूरी स्टिक्स ले लें। सुबह स्नान के बाद आप सुबह स्नान करेंगे, उसके बाद आप श्री हरि के हाथ समक्ष अपनी विनती रखें, और पीला रंग का यदि संभव हो तो रेशमी धागे में, यदि आपसे रेशमी धागे में बांधने में प्रॉब्लम हो तो आप सूती धागा भी ले सकते हैं। कोशिश करें पीला ही होना चाहिए धागा,
कलावे में नहीं कहा मैंने पीला धागा, आप उसमें 108 जो मंजरियां ली हैं आपने उसे डंडियों से बांध लें, माला टाइप बना लें आप, 108 ही होना चाहिए। और जब आप एक एक करके बांध रहे हैं आप अपने मन में एक मंत्र बोलते जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु जी का एकदम अचूक मंत्र आप यह बोलते जाएं, बहुत ही सहज और सरल तरीके से आप माला बना पाएंगे। और यदि आपके घर में विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो है तो आप उन्हें समर्पित करें, यदि नहीं तो आप एक घी का दीपक, यदि घर में कर रहे हैं तो भी आपको घी का दीपक लगाना अनिवार्य है और मंदिर में थोड़ा मुश्किल है, आप कैसे समर्पित करेंगे ये आपकी समस्या है, आपको देखना पड़ेगा। यदि आपके घर में विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो है तो आप घर में इजीली कर सकते हैं, घी का दीपक लगाएं, वहीं बैठकर ये माला बनाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, 108 बार अपने आप ही हो जाना है, क्योंकि मंजरी आपने एक एक बांधते जाएंगे पहले से 108 गिन के रखेंगे और आसानी से 108 बार आप मंत्र का जाप हो जाएगा। उसकी माला बनाएं, पीले धागे से बनाएं और उन्हें श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। और यदि आपको बहुत ही अच्छा अपना जीवन बहुत ही अच्छा आगे की ओर अग्रसर करना है तो आप हर गुरुवार, नहीं तो जिस दिन भी आपका मन करे, जिस गुरुवार को आपका मन करे आप ये कार्य अवश्य करें, आप देखना बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है ये। जब आप दूसरी माला समर्पित करने जाएं दूसरी बार तो आप पहले वाली माला नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, आप ये कार्य करें। मैंने बहुत सारे आपके प्रश्नों को के उत्तर देने की कोशिश करी है, जो आपने पूछे हैं उनके भी और जो शायद आपके मन में आ रहे होंगे उनके भी, आपको अवश्य फायदा होगा। आप पूरा वीडियो देखें, दूसरों के साथ यह उपाय शेयर करें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। 2022 आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।